जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल केमिस्ट्री जिला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड से रिलेटेड, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स लोग मुझसे पूछ रहे थे हरियाणा डीएलएड को लेकर के, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मेरा डेडिकेटेड है। तो एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि जो भी साथी जिनका एमपी डीएलएड में एडमिशन नहीं हो पाया है, कई सारे उसके कारण रहे हैं। पहला कारण तो ये रहा है कि हाई परसेंटेज वाले बच्चों को कॉलेज मिला, तो जिनके 60-65% थे उनका कुछ नहीं हो पाया। और दूसरा कारण ये रहा है कि कई सारे कैंडिडेट्स को सीट मिलने के बाद भी, उनको सीट ऑफ़र हो गई और सीट ऑफ़र होने के बाद भी इतनी ज़्यादा फीस डिमांड की गई कि कैंडिडेट्स ने बेचारी त्याग दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा डीएलएड इस साल। मुझे लगता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस बारे में गहनता से विचार करने की आवश्यकता है कि अगर कोई गरीब परिवार से कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है और वो अगर डीएलएड करना चाहता है, तो भाई वो कहाँ से आपके 1 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए कहाँ से ये अमाउंट वो इकट्ठा कर पाएगा, उसके बाद से डीएलएड कर पाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी टाइप की बातें हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। भाई जिसके पास पैसा है वो कर लेगा, बाद में वो टीचर बन जाएगा, जो गरीब है वो नहीं कर पाएगा। सीधी सिंपल सी बात ये है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विचार करने की आवश्यकता है इस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री को। खैर, तो जिन लोगों का भी नाम नहीं आया है एमपी डीएलएड में, उन लोगों के लिए एक मौका बन सकता है हरियाणा डीएलएड से रिलेटेड। ठीक है, हरियाणा डीएलएड उनके लिए एक मौका हो सकता है, एक चांस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं हरियाणा डीएलएड से रिलेटेड कुछ बातें कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आपको वो प्रूफ दिखाऊँगा जिसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि हरियाणा डीएलएड कब तक आ जाएगा। तो पहली बात ये है साथियों कि हरियाणा डीएलएड में ऑल इंडिया के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप अदर स्टेट से पार्टिसिपेट करते हो तो आप जनरल कंसिडर किए जाओगे, भले ही आपके स्टेट में आपका कोई भी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस के नाम पे जो भी जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी से 500 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, और आपका रिज़ल्ट जो होगा वो लगभग रजिस्ट्रेशन डेट के स्टार्ट होने के बाद, आपकी जो काउंसलिंग वगैरह होगी वो 1 मंथ बाद स्टार्ट होगी, 1 मंथ लेटर ऑलमोस्ट मान के चलिए। इसके बाद बात करें हरियाणा डीएलएड के प्रोग्राम, जो कॉलेज कराते हैं डीएलएड वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है या नहीं। तो एनसीटीई क्या होता है, ध्यान से सुन लें, एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर। तो ये जो नेशनल काउंसिल है टीचर्स से रिलेटेड, इससे एफिलिएशन जिन कॉलेज के पास होता है उनकी ही डीएलएड जो है वो वैलिड होती है। बाकी जो कॉलेज डीएलएड के नाम पे एडमिशन ले लेते हैं और एनसीटीई से अगर उनके पास अप्रूवल नहीं है तो वो आपका समझ लीजिए पैसा और समय दोनों बर्बाद हो रहा है। इसीलिए कभी भी जीवन में किसी कोर्स को करने जाएँ टीचर से रिलेटेड, तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उस कॉलेज के पास एनसीटीई का अप्रूवल है या नहीं है। तो खैर, हरियाणा के जो कॉलेज हैं उनमें सभी कॉलेजों के पास एनसीटीई का अप्रूवल है, और यहाँ से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, नो डाउट। दूसरी बात, बच्चों के मन में आता है कि सर मैं डीएलएड यहाँ से कर लूँगा तो क्या ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड रहेगा। मतलब मान लीजिए मैं बिहार स्टेट से बिलोंग कर रहा हूँ और कल को बिहार में कोई टीचर वैकेंसी आती है प्राइमरी लेवल पर, तो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी पर क्या मैं इस डीएलएड को अप्लाई कर पाऊँ, इस डीएलएड के बेसिस पर मैं टीचर के कोर्स में अप्लाई कर पाऊंगा? तो आंसर इज़ येस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है ये। चौथी बात ये कि सर फीस क्या रहेगी हरियाणा डीएलएड को लेकर। तो साथियों, फ़ीस जो होगी वो आपकी 35,000 रुपये के आसपास आपको फ़ीस देखने को मिलेगी एक ईयर की हरियाणा डीएलएड में, 35,000 रुपये, और 2 साल में आप 70,000 के आसपास में पूरा का पूरा डीएलएड कोर्स कंप्लीट
कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो 70,000 रुपये में आपका DLED कोर्स एंटायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी बात यह है कि सर सारी बातें तो बता दी, अब ये बताइए कि कब आ रहा है हरियाणा DLED का फॉर्म। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा DLED का फॉर्म इसी अगस्त के 3rd वीक में, मतलब 20 अगस्त के बाद, लगभग 20 अगस्त के बाद कभी भी रिलीज़ हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म हरियाणा का, 20 अगस्त के बाद। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। मई के स्टार्टिंग में, अप्रैल लास्ट में, हरियाणा गवर्नमेंट ने, एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। वो नोटिफिकेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। एडमिशन प्रोसेस फॉर ऑफ DLED विल स्टार्ट सून एज द अप्रूवल रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। अकॉर्डिंगली द शेड्यूल फॉर एडमिशन विल बी रिलीज्ड एंड विल बी अपलोडेड ऑन द काउंसिल वेबसाइट इमीडिएटली, काइंडली कीप विजिटिंग। ऐसा ये आया हुआ है और मैं आपको बताऊँ कि ये कब का है। तो सर ये रिलीज़ हुआ है लगभग 29th of April के आसपास में। तो डिले तो हुआ है डेफिनेटली, नो डाउट, लेकिन अब जल्दी ही इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और अगस्त के महीने में, इन द मंथ ऑफ अगस्त के 3rd वीक से ये रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि जिनको भी DLED में एडमिशन लेना है, कराना है, और अगर हरियाणा उनकी चॉइस बन सकती है, तो डेफिनेटली जब रिलीज़ हो जाएगा नोटिफिकेशन, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, तो आप लोग मुझसे एक बार कांटेक्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी 12th के मार्क्स हैं उनके बेसिस पर, क्योंकि मेरिट के आधार पे ही आपको सीट अलॉट होना है, तो आपके नंबर के बेसिस पर, आपके परसेंटेज के बेसिस पर आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज दिलवाया जाए, सो दैट कि आप अपना DLED कंप्लीट करके और जल्दी से गवर्नमेंट टीचर बन जाएं, ठीक है। तो आई होप कि हरियाणा DLED से रिलेटेड सारी क्वेरीज जो होंगी वो आपकी दूर हो गई होंगी। जल्दी ही आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म हरियाणा का देखने को मिलेगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे कि कनेक्टिविटी हमारी और आपकी बनी रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।